हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी लाइफ में इमोशंस का क्या महत्व है। कोई बताना चाह रहा है? रेज यस सर हैंड श्रद्धा। हाँ बताओ। जी नमस्कार सर। तो जैसे कि इमोशन से ही जुड़ा एक टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं। तो सर एक साइंटिस्ट हुए हैं गोलमैन करके, उन्होंने ऐसा बताया था कि 80% सक्सेस जो हमारे काम में होती है वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के वजह से होती है, ना कि IQ की वजह से। 20% केवल सक्सेस जो है वो IQ पे डिपेंड करती है। मेनली जो मेजर पार्ट होता है वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस या फिर इमोशनल क्वेश्चन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वही हमें सर बैलेंस रखता है। अगर हम इमोशनल लेवल पे बैलेंस नहीं होंगे तो हमारा काम भी प्रभावित होगा। बहुत बढ़िया। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एक ये डिबेट का भी एक विषय है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, भावनात्मक बुद्धि लब्धि बोलते हैं हिंदी में, तो वो क्या IQ से भी महत्वपूर्ण है? IQ मतलब ये जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि से भी क्या भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है? कोई इससे असहमत हो ऐसे हैं कि नहीं भाई, बुद्धि का ही सब जगह बोलबाला है ना, इमोशंस आदमी में हो या ना हो है ना, बुद्धि से ही वो सफलता प्राप्त कर लेता है। कोई ऐसा मानता है क्या? नहीं कोई नहीं। क्यों, हम देखते तो हैं भाई, किसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, कोई पढ़ के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। जिनका बिजनेस में बहुत अच्छा दिमाग चलता है वो उसमें बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो फिर यहाँ इमोशंस की कहाँ बात आई? सर, पहले भावना आई उस काम पर, उस काम योग्य बन पाए वो। दिव्य क्या कह रहा है, पहले भावना आती है, यस सर, पहले विचार आता है कि पहले भाव आता है? भाव विचार सर ये अंतर नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम भाव और विचार भी दो अलग अलग है। फिर भी उस काम को करने के लिए पहले भावना मन में आती है, विचार आती है, तो फिर उस काम के योग्य बन पाते हैं और वहां तक पहुंच पाते हैं सर। सही बात है दिव्य। पहले तो भले जनरली हम ये कहते हैं कि विज्ञान के अगर हिसाब से चले तो पहले तो भले ही विचार आता है, पर वो विचार जो हमारे दृढ़ होते हैं, एक तरह के विचार जब ज्यादा आते हैं तो वो एक हमारी अंदर भावना पैदा कर देता है कि भाई, जैसे कि क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अपने सबोर्डिनेट्स हैं या मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ मुझे अच्छा एडजस्टमेंट बना के रखना है, हम जहाँ भी क्लास में या ऑफिस में। तो वहां क्या है कि पहले तो हम सोचते हैं कि भाई एडजस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, इस तरह का सोचते हैं। और उसमें फिर हम ये भाव आता है कि नहीं, हम प्रेम भाव से रहें, सबके साथ मिलजुल के काम करें, जहां तक हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। तो ये विचार और भाव सही बात है, एक दूसरे से इतने मिले जुले हैं कि उसको कई बार अलग करना मुश्किल हो जाता है। पर सिर्फ विचार ही विचार है, बुद्धि चल रही है, लेकिन भाव बिल्कुल नहीं है, नफरत ही नफरत है या नेगेटिव भाव है। भाव जनरली ऐसा भी कहा जाता है कि भाव ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है, या तो आपका नेगेटिव भाव होता है या पॉजिटिव भाव होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर रहता है ना। हम जो शब्द यूज करते हैं भाव संवेदना, तो वो पॉजिटिव अर्थ में यूज करते हैं कि संवेदना हमारे अंदर हो, किसी के प्रति हमारे अंदर एक अच्छी भावना हो, जिसको हम संवेदना बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव इमोशन है। पर नेगेटिव इमोशंस ना आए और पॉजिटिव इमोशंस आए तो कहते हैं कि आपको बुद्धि आपकी भले ही लिमिटेड हो, फिर भी आप बहुत अच्छा एडजस्टमेंट कर लोगे, और बुद्धि इतनी विकसित हो लेकिन आपके भाव अगर गलत है, आप क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब भावों से ग्रसित है, तो आपकी बुद्धि अच्छी होने के बावजूद भी आप अच्छा नहीं कर लोगे। जब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं तो केवल बुद्धि नहीं होती है, साहस का भाव होता है उनके अंदर, साहस का भाव उमड़ता है तो वो साहस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए वो सफलता मिलती है। वैज्ञानिक है तो बुद्धि ही नहीं है, मेहनत का भाव है,
उसके अंदर है ना, और भी बहुत सारे भाव है, जिस चीज का वो इन्वेंशन करना चाहता है उसके प्रति उसका जो एक लगाव होता है, उसके अंदर उसके प्रति जो एक श्रद्धा होती है वो उसे सफल बनाती है, तो वहां भी भाव है ना। स्टूडेंट्स लाइफ में भी ऐसा देखें कि जो अच्छे नंबर पर आते हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ बुद्धि के कारण वो नंबर पा लिए हैं, है ना, वो पढ़ाई के प्रति एक लगाव है, प्रेम है, श्रद्धा है कि हाँ हम ये बीएड अच्छे से कर लेंगे, है ना, तो एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, इस तरह का एक भाव अंदर होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसा ये डेनियल गोलमेल का कहना है और भी वैज्ञानिकों का कहना है, और इसी के बेस पर ये कंक्लूजन निकला है कि हम बुद्धि से भी ज्यादा भावों को महत्व दें। अब जो डेनियल गोलमेन की बात आई है तो मैं एक आपको उसके कोटेशन दिखाना चाहता हूँ, पहले मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी शायद। एक मिनट में अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक किसी को और कुछ कहना है हमारे जीवन में भावों का क्या महत्व है? कोई बोल रहा था बीच में रोक दिया। हमारे जीवन में भावों का क्या महत्व है, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सर, हमारे में जब तक भावना नहीं होगी तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे बहुत बढ़िया, जी सर। मनुष्य होने। हाँ जी सर, अगर हम करंट, अगर मॉडर्न न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो इमोशंस हैं हमें हेल्प करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में, फैसिलेट करने में क्रिएटिव एक्सप्रेशन, हमें मोटिवेट करने में, मेक अस इफेक्टिव, रिप्रेजेंट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉट वीकनेस, और हमको एक गुड जजमेंट पे आने पे भी हेल्प करते हैं, हमारी एथिकल वैल्यूज़ है उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, हमारी रीजनिंग को इम्प्रूव करते हैं, और एक हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन और एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, अगर हम मॉडर्न न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो। बहुत बढ़िया। सरदा तुमने क्या बैचलर किसमें किया है, बैचलर और मास्टर भी कर दिया है क्या, जी सर, मास्टर्स भी मेरा हो गया है किसमें? सर, लाइफ साइंसेस ग्रुप है मेरा, जिसमें ग्रेजुएशन में मेरे पास जूलॉजी, बॉटनी और फॉरेस्ट्री था, एंड मास्टर्स में सर मेरा है बॉटनी। ओके, बहुत जी सर, अच्छा है, नेचुरल साइंसेस का अच्छा नॉलेज है, और तुमने जो एक डेनियल गोलमैन की बात करी थी ना, तो एक कोटेशन मिला है, मैं प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। जी सर, गोलमैन की करी थी। और किसी को कुछ कहना है? दिख रहा है डेनियल गोलमैन का चित्र यस मोबाइल स्क्रीन पर? देखो वो जो लिखा है वो हो सकता है आपको मोबाइल में ना ठीक से आप पढ़ पा रहे हो, मैं पढ़ता हूँ। वी आर बीइंग जज्ड बाय ए न्यू यार्ड स्टिक, नॉट जस्ट हाउ स्मार्ट वी आर और बाय अवर ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज, बट ऑल्सो हाउ वेल वी हैंडल अवर सेल्स एंड ईच अदर। यहाँ ये बताया है कि भाई अब एक नई चीजों से हमें, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, बाद में आया ये कॉन्सेप्ट, पहले तो केवल आईक्यू पर ही ज्यादा काम होता था साइकोलॉजी में, फिर ये ईक्यू के ऊपर ध्यान दिया गया, तो अब कहा कि अब हम एक नए असेसमेंट के द्वारा हम अपने आप को असेस करेंगे, उसमें सिर्फ इतना नहीं देखेंगे कि हम कितने स्मार्ट है, कितने बुद्धिशाली है, या हमें हमने कितनी अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त की है, कितनी अच्छी हमने योग्यता प्राप्त की है, पर हम कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं और दूसरों को हैंडल करते हैं। यहाँ हैंडल मतलब एडजस्टमेंट, या उनके साथ जो हम उनको हम मैनेज करते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट शब्द भी जो डेफिनेशन दी गई है तो वही है कि हम लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, लोगों से काम कैसे निकलवाते हैं, लोगों के साथ हम किस तरह से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके अनुसार हम उनको उस दिशा में ले जा सकते हैं जो लीडर का काम होता है, तो वो भी हैंडल करना ही हुआ।
तो इस तरह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कितनी भी एक्सपर्टाइज हो, कितने भी स्मार्ट हो आप, लेकिन आपको लोगों के साथ काम करना आता नहीं है तो बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग क्या होते हैं, बिजनेस में भी आप देखोगे तो बहुत गुस्सा हो जाता है, आप उनसे दो तीन चीजें निकलवाओ कि ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसा करके, तुरंत गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं लेना हो तो लो वरना चले जाओ ऐसा करके। तो और मैंने देखा है कि जो एक व्यापारी, जो सफल व्यापारी का भी मैंने कहीं देखा हुआ है, इतना शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक सारी चीजें दिखाता है और उसके पीछे वो बुद्धि भी लगाता है कि भाई आज वो केवल देख के जाएगा, हो सकता है वो नहीं लेगा, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज बैठेगी, उसको अगर पसंद आ गई, उसके साथ अगर भाव जुड़ गए तो वो जरूर दोबारा वो लेने आएगा। तो इसलिए वो धैर्य पूर्वक दिखाता रहता है, भले चाहे कोई एक भी चीज ना खरीदे। तो यहाँ पर क्या है कि आजकल की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी लोग उस भावों पर ज्यादा फोकस करते हैं कि लोग किस भाव से जुड़ जाते हैं, किस भाव के कारण वो किसी चीज के साथ जुड़ेंगे। अभी जैसे एक वो आता है बंधन बैंक का, कि आप हमारी बैंक के साथ जुड़िए और आप के साथ साथ हम भी कुछ समाज के लिए करेंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम भी बनाए हैं कि कुछ परसेंटेज वो समाज के लिए भी खर्च करते हैं। तो इस तरह के, इससे आदमी को भाव पैदा हो जाते हैं, एक लगाव पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे इस बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए, है ना। तो भाव का ज्यादा महत्व है, यही इन्होंने, डेनियल गोलमैन ने बताया है। यहां तक का क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन? अब एक इमोशनल मैच्योरिटी स्केल होता है, मैं इसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करने का प्रयास करूंगा। अपना इमोशनल मेच्योरिटी का लेवल जरूर चेक कर लेना चाहिए। दो तीन बहुत अच्छे अच्छे इमोशनल मेच्योरिटी स्केल अपने पास देव संस्कृत विश्वविद्यालय में है, जैसे ये एक महेश भार्गव का है मेरे पास, अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने कभी कोई क्वेश्चनेयर ना भरा हो, कोई प्रश्नावली ना भरी हो कभी? कभी ना कभी तो सबने भरी ही होगी। हाँ, यस सर। तो अब यहां देखो कैसे ये इमोशनल मैच्योरिटी को वो मेजर करता है। कोई भी एक क्वेश्चन ले, डू यू गेट फ्राइटेंड अबाउट द कमिंग सिचुएशन, जो आने वाली सिचुएशन से आप क्या घबरा जाते हो? जैसे परीक्षा आने वाली होती है, कुछ लोग तो पहले ही उनको घबराहट शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है कि अगर वेरी मच, यहाँ पांच ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ज्यादा अगर ऐसा हो रहा है, हर एक छोटी छोटी सिचुएशन में भी हम घबरा जा रहे हैं, तो वो हमारी इमोशनल मेच्योरिटी वीक है, मतलब कि इमोशनली हम इमेच्योर है, उतने ज्यादा मेच्योर नहीं है। ये एक डायमेंशन हुआ। ऐसे हर प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से फिर स्कोरिंग होता है, और स्कोरिंग के हिसाब से आपकी एक कैटेगरी आती है कि इमोशनली आप बैलेंस्ड हो, इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक हो, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, इस तरह का आपको एक कैटेगरी मिलती है। तो इस तरह की क्वेश्चनेस भी हमें भरनी चाहिए। मैं यहाँ जब मास्टर डिग्री में पढ़ता था, मैंने देखा था एक बार शुरुआत में जब मैं यहाँ आया, इमोशनल मैच्योरिटी स्केल भरा, तो जब ईमानदारी से भरते हैं तो मुझे लगा कि हाँ ये इमोशनल जो उसमें बहुत लो लेवल आया कि इमोशनल मेच्योरिटी आपकी थोड़ी वीक है। फिर मैंने एक एक क्वेश्चंस पर ध्यान दिया तो मुझे लगा हाँ सही में कुछ कुछ चीजों में मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है ना। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, या छोटी छोटी बातों में कभी चिंता हो जाना, स्ट्रेस ले लेते हैं बार बार, तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारी इमोशनल मेच्योरिटी को वीक दिखाती है कि हाँ ये आपकी वीक है इमोशनल मेच्योरिटी, आप इमोशनली इतने मेच्योर नहीं। इमोशनली अगर मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, चलो कौन बताएगा? अगर आप इमोशनली मैच्योर नहीं है तो क्या होगा? सो फिर हम अपने किसी भी परिस्थिति या कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, ना उसे व्यक्त कर पाएंगे।
बहुत अच्छा। जैसे है ना, मैंने देखा अपनी लाइफ में, पहले मैं क्या करता था, कोई भी कोर्स चालू किया और फिर किसी भी कारण से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, या कोई दूसरी कोई चीज आ गई, दूसरा कोई काम आ गया तो उसको बीच में छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे डिस्टेंस के कोर्स वगैरह, सब रेगुलर कोर्स भी कभी कभी छोड़ देता था। तो वो मैंने देखा कि उसका भी कारण ये है कि हम क्या करते हैं कई बार, कि अपने अंदर जो एक करेज होना चाहिए, एक जो काम करने का एक जज्बा होना चाहिए, वो कई बार हम लोग के अंदर वो बहुत वीक हो जाता है। आजकल सारी कंपनीज में और बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें रिवार्ड सिस्टम पर, रीइन्फोर्समेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, कि अगर व्यक्ति सही काम कर रहा है तो उसका उत्साह बना रहे, उसके लिए उसको रिवार्ड देना बहुत जरूरी है ना। तो प्रमोशन देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अवार्ड देते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती है, बोनस देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उससे क्या है, व्यक्ति का उत्साह बना रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने खुद को भी हमें रिवार्ड देते रहना चाहिए, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को बनाए रखने के लिए अपने आप को रिवार्ड देते रहना चाहिए, कि भाई जहां जहां भी मैंने अगर अच्छा किया कुछ, तो अपने आप को हम रिवार्ड दे के, हाँ चलो बहुत बढ़िया है, इसको मैंने बना के रखा। विपरीत परिस्थिति में भी मैंने अगर संभाल के रखा अपने आप को, अपने आप को मैंने गिराया नहीं, मैं निराश नहीं हुआ, तो खुद को रिवार्ड करो। ये एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है कि खुद को रिवार्ड करो। सब दूसरों के सामने हमें अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, वो तो कहते हैं ना कि हमारे काम खुद कर लेते हैं, पर जो एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो कि भाई ये चीज में मुझे बहुत डिफिकल्टी आई उसको हैंडल करने में, पर मैंने हैंडल कर लिया। तो ऐसी चीजें शेयर करते तो इंस्पिरेशन भी मिलता है, सबके सामने बोलेंगे तो कभी किसी को लगेगा कि भाई ये थोड़ा सा अपना दिखा रहा है, पर अपने जो क्लोज है, जो समझ सकते हैं कि भाई इनका बताने का क्या मकसद है, तो वो समझ जाते हैं कि भाई वो कुछ इंस्पायर करना चाहते हैं हमें। तो ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की चीजें शेयर करो कि भाई ऐसी कठिन परिस्थिति थी, बहुत गुस्सा आ जाए ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी हमने गुस्सा नहीं किया, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि निराश हो जाए ऐसी परिस्थिति थी, उसमें हम निराश नहीं हुए, है ना। इमोशन बहुत ज्यादा, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम क्या कर देते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे कहीं किसी के ऊपर ऐसे जरा सी दया आ गई और हमने उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, और फिर उसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा हमें धोखा दिया या हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया। तो ये भी कभी कभी होता है कि भावों में बह जाना, ये भी एक तरह की इमोशनल वीकनेस है, कि कई बार हम लोग क्या है कि भावों में बह जाते हैं। तो यहाँ पर यही बैलेंस है, आइडियल यही कहा जाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जैसे कॉम्बिनेशन है, इसका इंटीग्रेशन है, इसी तरह से भावों और विचारों का, बुद्धि और भावनाओं का, उसका भी बैलेंस जरूर रहे, है ना। इलॉजिकल बातों पर हमारे भाव न बह जाए, एकदम से जो अंधविश्वास है उस पर हम बहुत ज्यादा हमारे तार ना जुड़ जाए, हमारी भावनाएं ना जुड़ जाए। तो दोनों चीजों की यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बुद्धि और भाव। तो इस तरह से ये चीजें लाइफ में हम अगर एडोप्ट करते हैं, जहां जहां भी इमोशंस हमें लगता है कि यहाँ हमारी वीकनेस है, उसको हम अगर मजबूत करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है ये इमोशनल मैच्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। लाइफ मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है इमोशनल मैच्योरिटी। अब जो कुछ रिसर्च हुई है उसकी अगर हम बात करें, तो लगातार मंत्र चेंटिंग से क्या होता है कि शुरुआत में तो आपको उससे कंसंट्रेशन होता है, आप आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा शांत होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब आपका माइंड गलत दिशा में नहीं जाएगा, एम्प्टी माइंड इज एविल्स वर्कशॉप कहते हैं ना, तो जो खाली मन है वो शैतान का घर है। तो खाली मन होता है तो इसके कारण फिर हम नेगेटिव इमोशंस आने लग जाती है। तो इसलिए क्या करें कि इस तरह के सात्विक कर्म करें। सात्विक कर्म करने से क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस नहीं आएगी, तो पॉजिटिव इमोशंस के लिए
जगह बन जाएगी, पॉजिटिव इमोशंस आने लग जाएगी। तो ये जो रिसर्च इशू भी इससे देखा गया है, मंत्र चेंटिंग से भी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। फिर जितने भी सात्विक कर्म है, यज्ञ है, और भी जितने हैं, किसी को कुछ मदद कर देना, परोपकार करना, इन सब चीजों से आपकी इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ती है ना। और जो नेगेटिव इमोशंस है, क्रोध है, इस तरह की चीजें हैं, वो उसके ऊपर भी रिसर्च इस हुई है कि वो सारी नेगेटिव इमोशंस कम होती है। तो सात्विक एक्टिविटीज को सोच समझ के अच्छे से उसको भाव के साथ, कहते हैं ना कि भाई साधना में भाव होने चाहिए, प्राण होने चाहिए, कि आप दिल से करेंगे, है ना, श्रद्धा पूर्वक करेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ हम मैकेनिकल प्रोसेस की तरह करे जा रहे हैं, शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, शुरुआत में कहते हैं कि साधना मैकेनिकल प्रोसेस होती है, पर अगर श्रद्धा पूर्वक करे जाए, जपाप सिद्धि न संशय, उसमें संशय ना करें, हम करते जाएं, तो भाव जुड़ने लग जाते हैं, और भाव जुड़ जाते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। तो इस तरह से इमोशनल मैच्योरिटी को हम बढ़ाएं, और हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम बढ़ाएं। आज के विषय में कोई क्वेश्चन, कोई चीज छूट गई? श्रद्धा, कुछ ऐड करना है क्या? जी सर, कर सकते हैं। अगर हम इमोशन को इस तरह से भी देखें, मतलब अगर इमोशन सर लिंक्ड होता है कॉग्निशन और बिहेवियर के साथ, तो बहुत इजी होगा समझाना। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है या फिर इमोशनल लेवल पे आप वीक हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉग्निशन भी जो है वहाँ भी आप कहीं ना कहीं वीक रह जाएंगे, और जब वहाँ वीक रह जाएंगे तो आपका बिहेवियर में भी वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखेगा कि ये मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, ये इसका बिहेवियर भी कुछ अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर। इनमें किसी में भी इम्बैलेंस होगा तो दोनों जो अदर दो चीज़ें हैं उनमें भी इम्बैलेंस आएगा ही। बहुत बढ़िया। देखो, मुझे यही विचार आया कि हम लोग 50 से भी ज्यादा लोग हैं, आप लोग सब मिलकर हम लोग लगभग लगभग 50 हैं, तो आप भी कुछ ऐड करो, है ना। जिसको भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें छूट गई है या कुछ चीजें ऐड करनी चाहिए, तो इस क्लास का मकसद केवल अटेंडेंस तक सीमित नहीं रहेगा। इस क्लास से हमें लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक एनर्जी चाहिए, लाइफ मैनेज करने के लिए हमें जो एक शक्ति चाहिए, वो मिलती रहेगी, है ना। इसलिए जहां जहां भी आपको लगे ऐड करो। सिलेबस भी मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो सिलेबस को कभी देख लिया करो। लाइफ मैनेजमेंट का भी एक सिलेबस होता है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इसका भी सिलेबस होता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कभी ध्यान दो, और उसमें कुछ अगर अच्छी चीज आए तो सबके साथ शेयर करो। ये बहुत अच्छा माध्यम है, इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो भविष्य में यही सारी चीजें हम अगर सुनेंगे, फिर से देखेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भविष्य के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए मेमोरी बन जाएगी। तो श्रद्धा ने बहुत अच्छा आज ऐड किया, और भी लोगों ने बहुत अच्छा ऐड किया। इस तरह से सब लोग कुछ कुछ ऐड करते रहो। और कोई बात? सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्रवीण। सर, कभी कभी नकारात्मक इमोशन भी हमारे लिए अच्छा होता है। नकारात्मक इमोशन हमारे लिए अच्छी होती है। हाँ सर, जैसे किसी से अगर हमें भय लगता है तो वो भी तो अच्छी बात है ना सर, क्योंकि कैसे? वो हमें जैसे एक करियर से एग्जांपल बचा दो। रहा है सर। नहीं, जैसे एक एग्जांपल जैसे अगर दो। एक, हाँ सर, जैसे एक कुत्ते हैं सर, तो कुत्ते से काटने का डर है, एक भय है, तो ये भी एक प्रकार का अच्छा भय है। बहुत बढ़िया भाई, ये चीज तुमने अच्छी निकाली। लेकिन ये बताओ प्रवीण, कि भय भी एक सीमा तक ठीक रहता है ना। मैंने देखा है कुत्ते के विषय में, कुछ लोगों को इतना ज्यादा भयभीत होते हैं वो, है ना, कि बाहर नहीं निकलेंगे घर से, कोई महत्वपूर्ण काम होगा तो भी वो नहीं करेंगे, है ना। तो इतना ज्यादा भय भी ठीक नहीं है, है ना। जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, या जहां पर जो कहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा डर भी अच्छा है, जैसे जंगल में भी कुछ लोग हैं वो हिंसक प्राणियों से भी नहीं डरते हैं, कि नहीं, हम तो चले जाएंगे, फिर उनके प्राण भी जा सकते हैं,
तो वहां पर भय ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते का भी अगर भय रहेगा आपको, तो आपकी जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएगी, है ना। हाँ, आप रखो कुछ ना कुछ हथियार साथ में रखो, या उसके लिए प्रिवेंशन जरूर रखो, पर मुझे लगता है कि भाई जो तुम कह रहे हो कि वो होना चाहिए, तो वो कुछ ही मात्रा में होना चाहिए, उससे ज्यादा है। और दूसरी बात की अगर नहीं है भाई, विशेष रूप से अगर ऐसी छोटी छोटी बातों की हम अगर बात करें, तो भी कोई टेंशन नहीं है, है ना। हम लोग यहाँ एक कुत्ते को खिलाते हैं यूनिवर्सिटी में, पीछे पीछे ही आता रहता है और इतना नजदीक आ जाता है, लगता है अभी वो काट लेगा, लेकिन नहीं डरते हैं, क्योंकि पता है कि भाई वो खाने के लिए पीछे आ रहा है, वो भूखा है, वो नहीं काटेगा। तो श्रद्धा है, भय नहीं है। हो सकता है कभी अगर वास्तव में काट भी लेगा, है ना, तो तब आप, हो सकता है तुम्हारी बात याद आए कि भाई इससे अच्छा है थोड़ा भय अगर रखा होता। पर मुझे लगता है कि छोटी छोटी, पर सर हाँ थोड़ा क्या, डर भी जरूरी है, पर सर अच्छा थोड़ा प्रीति, डर भी जरूरी हाँ है। प्रीति, डर हमें बहुत नहीं कुछ होगा सीखने तो को हम मिलता है सर। उसके सामने जाएंगे, वो काट लेगा हमें। सर हाँ सर दिव्य, सर अगर कोई अगर जरूरी नहीं है कि कोई जानवर काटेगा ही। सर अगर हम प्यार से उसके ऊपर देखेंगे या उस फीलिंग से देखेंगे, तो सर वो पहली बार में, पहली क्या दूसरी बार में ही वो थोड़ा इमोशन हमारे, मतलब हमारे प्रति उसको इमोशन आएगा, फीलिंग्स आएगी। सर ये सभी जानवर के साथ है, कुत्ते के साथ नहीं। सर सर दिव्य तो क्या हम कह रहे काटने को थे? लेकर नहीं ले सकते हैं सर। अगर अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कुछ फेल होने का डर, इस प्रकार की बहुत सारी जो भावनात्मक है सर, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होता है। सर अगर वो भय सही ही है कि वो जानवर खतरनाक है हमारे जीवन पर्यंत के लिए, तो फिर वो भय निगेटिव कैसे हुआ सर हमारे लिए? वाह बहुत बढ़िया, देखो ये नई चीज आई कि वो भय होते हुए भी वो नेगेटिव नहीं है, है ना। वो थोड़ा सा भय है जो जरूरी है, वो हमारे लिए अच्छा है, जैसे सर वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं स्ट्रेस। आएगा सर, वो हम अपने या उसके बचाव के लिए कहते हैं, वो उसको निगेटिविटी नहीं कह सकते हैं सर। सर जैसे पॉजिटिव मुझे स्ट्रेस है, पर यहाँ तो भाई की डायरेक्ट चर्चा हो रही निगेटिव में ही, पॉजिटिव में कहाँ चर्चा कर रहे हैं भाई को। सब लोग निगेटिव ही दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई तो निगेटिव ही होगा वो। सर मुझे लगता है कि भय पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमें जागरूक रहना चाहिए किसी भी स्थिति के प्रति, लेकिन भय मुझे नहीं लगता कि वो सकारात्मकता में आता है। कुत्ता काटेगा तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन भय मुक्त रहना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है। ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि वो भय है ही नहीं, वो सिर्फ हमारी जागरूकता है ना। हम वास्तव में वो डर नहीं रहे हैं, हम उस अवेयर रह रहे हैं कि कहीं वो काट ना ले। क्योंकि मैं भी देखो सही बताऊं तो देखता रहता हूँ पीछे से कि वो थोड़ी तो दूरी ही उसने बनाई है कि नहीं है। एकदम से पैरों के पास आ गया तो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि भाई प्राणी का स्वभाव है, अगर वो बहुत भूखा है उसको लगेगा कि भाई मुझे ये नहीं दे रहे हैं, तो वो काट भी सकता है। कभी कभी उसको कुछ तरह के रोग हो जाते हैं जो पागल कुत्ते कहते हैं ना, तो वो बिना कारण भी काट लेते हैं, तो वो भय नहीं है, वो सावधानी है ना। तो सावधानी बरतना कोई गलत नहीं है, वरना आपने देखा होगा ऐसी भी रिसर्च हुई है, बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है कि इवन ये जो बब्बर शेर है उनके साथ भी वो इतने मिलजुल गए, पूरी फैमिली है उनकी, तो उसके साथ भी उतने वो मिक्स हो गए, उनको भी वो काट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। तो टेक्निक होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके द्वारा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वहां मुझे लगता है वहां वो भय की बात ही नहीं है वहां, क्योंकि भाई है ही नहीं वहां। तो यहाँ भी मैं ये मानता हूं अंजलि की बात एकदम सही है कि वो हमारी सावधानी है, वो भय नहीं है। आप चाहे उसको फिर भय कहो, वैसे तो डिबेट चलता ही रहेगा, है ना, हर चीज में। और वैसे जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, उसका भी अगर एक्सट्रीम सोचो, बहुत प्रेम, बहुत करुणा, बहुत दया, उसमें कभी कभी क्या हो जाता है आदमी, मैंने कहा ना कि वो भावों में बह जाता है, तो वो भी कभी कभी देखा जाए तो वो भी एक तरह का एक्सट्रीम है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव एक्सट्रीम में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, और नेगेटिव अगर थोड़ा सा हो, जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हो, कभी गलत क्रोध भी दिखाना पड़ता है, झूठा क्रोध, है
है ना, कि भाई क्रोध के बिना वो नहीं मानेंगे। बच्चों को खास करके कभी कभी लोग इस तरह से भय दिखाते हैं, भय बिन प्रीत न हो ऐसा भी कहते हैं ना, तो वहां पर हो सकता है कि वो उसको हम जरूरी माने, पर साइकोलॉजी के टर्म से अगर देखें तो नेगेटिव इमोशंस में आता है ये सब चीजें, तो यहाँ पर वो भय है ही नहीं, सावधानी है ना, सर दोनों गीता एक में भी ही स्थिर प्रज्ञता की बात की गई है, और जब चीज है। हाँ मनुष्य स्थिर होता है तभी हम मान सकते हैं कि वो इमोशनली बैलेंस्ड है। ये भी बहुत अच्छी बात बताई है। ये अटेंडेंस में बहुत टाइम जाता है, तो अब मुझे लगता है अटेंडेंस ले लेनी चाहिए। शिखा प्रेजेंट सच्चिदानंद सर, प्रेजेंट, हाँ सच्चिदानंद, विभा साधना, सर विभा प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट हाँ साधना, सर गौतम, शिवानंद, प्रेजेंट सर सुजाता, यस सर कुमारी नेहा, सर क्या नाम है, प्रेमा, प्रेजेंट अर्चना, सर मणिकांत, प्रेजेंट सर प्रीति, यस सर सुधा, प्रेजेंट सर प्रवीण, प्रेजेंट सर अंबेडकर, प्रेजेंट सर निधि, यस दिव्य, यस सर अंजलि, सर 046 होगा, देख लीजिएगा। 046 है, पहले मैंने उसमें व्हाट्सएप में भी हाँ सर शेयर किया जीरो था, फोर ये सिक्स प्रेजेंट है यस 046 प्रेजेंट। मोहिनी, सर आभा, प्रेजेंट सर कल्पना, प्रेजेंट विकास, अंजलि, सर 041 कभी नहीं आती है। अंजलि सर अंजलि आचार्य प्रेजेंट सर, पिछले दो बार से जागरूक अंजलि सर, एब्सेंट है तुम्हारा। जागरूक है सर, जी सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। प्रणाम सर, रितिका अभी जो जो छूट गए हैं ना, मैं लास्ट में बोल दूंगा एब्सेंट के नाम, तो वहां प्रेजेंट कर प्रेजेंट दूंगा। रितिका रितिका, प्रेजेंट सर हाँ, रुचि, प्रेजेंट सर श्रद्धा, प्रेजेंट सर अमरकांत, प्रेजेंट सर अमरकांत श्वेता, प्रेजेंट सर प्राची, प्रेजेंट सर वसुंधरा, प्रेजेंट नवीन, हरिओम, किरण, तन्नू, सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट पंकज, यस सर पंकज चंदन, प्रेजेंट सर चंदन प्रेजेंट विवेक, सर आराधना, यस सर जगरू, अभिषेक, प्रेजेंट सर प्रेजेंट अर्पणा, आकांक्षा, सर प्रेजेंट श्रद्धांजलि, प्रज्ञा, प्रेजेंट सर सनातन, नेहा, अंशिका, यस सर सॉरी अनीशा, प्रेजेंट सर मिथिलेश,
प्रेजेंट सर। स्वाति प्रेजेंट सर। एब्सेंट के नाम बोल रहा हूं मैं, सच्चिदानंद, शिवानंद, नवीन, हरिओम। हरिओम प्रेजेंट है सर। हाँ ठीक, हाँ हरिओम हो गया प्रेजेंट। श्रद्धांजलि, सनातन, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। किसी को अगर कुछ चर्चा करनी है तो रुक सकते हैं, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर।